हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2 करोड़ शराब बरामदगी का मामला, एसओजी के डीआईजी व सतर्कता शाखा के डीआईजी ने की तहकीकात। शहर थाने के बाद कमरे में की तहकीकात। मावल व गुजरात बॉर्डर का किया निरीक्षण। मावल चौकी गांधीनगर व भुजेला में लिया जायजा। आबकारी विभाग की ओर से 2 करोड़ की शराब बरामदगी के मामले की जांच के तहत एसओजी के डीआईजी अमनदीप सिंह कपूर व सतर्कता शाखा के डीआईजी सत्येंद्र सिंह आबू रोड पहुँचे, जहाँ शहर कोतवाली के बंद कमरे में जांच की। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारियों ने मावल बॉर्डर व मावल से सटी गुजरात सरहद का निरीक्षण किया। मावल चौकी पर तैनात पुलिस कार्मिकों से चर्चा की। गांधीनगर सेंट पॉल स्कूल के पास का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों का काफिला भुजेला पावर हाउस के पीछे पहुंचा, जहां अधिकारियों ने मौका निरीक्षण किया। आबकारी विभाग के आयुक्त जोगाराम के निर्देश पर 5 जिलों की टीम की ओर से गत 30 मई को भुजेला में पावर हाउस के पीछे से 15 वाहनों में भरी 2 करोड़ की शराब बरामद की गई थी। साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे मामले में जिला पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से एसओजी व डीआईजी अमनदीप सिंह कपूर व सदरता शाखा के डीआईजी सत्येंद्र सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपने के निर्देश दिए गए। जांच के चलते दोनों अधिकारी आबू रोड शहर कोतवाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने बंद कक्ष में तफ्तीश शुरू की। इस दौरान रीको थाना अधिकारी राण सिंह सोडा व शहर कोतवाल ओम प्रकाश विशोई मौजूद रहे। इसके बाद अधिकारियों का काफिला मावल सरहद पहुंचा, जहां दोनों अधिकारियों ने मावल सरहद व मावल बॉर्डर से सटी गुजरात बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। एसओजी के डीआईजी व सतर्कता शाखा के डीआईजी मावल चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने मावल चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों से चर्चा की। उनकी चौकी पर तैनाती के समय अवधि के बारे में जानकारी ली। रीको थाना अधिकारी राम सिंह सोड़ा से जानकारी ली। कुछ देर ठहरने के बाद अधिकारी मावल चौकी से रुखसत हो गए। दोनों अधिकारी पुलिस काफिले के साथ गांधीनगर सेंट पॉल स्कूल के पास पहुंचे, जहां करीब 2 माह पूर्व शहर पुलिस की ओर से सेंट पॉल स्कूल के पास एक इकाई के गोदाम से शराब से भरी कार बरामदगी के मामले में मौका निरीक्षण किया। मामले में पड़ताल की। एसओजी के डीआईजी अमनदीप सिंह कपूर व सतर्कता शाखा के डीआईजी सत्येंद्र सिंह पुलिस अधिकारी के साथ भुजेला में जीएसएस के पीछे पहुंचे, जहां 30 मई को आबकारी विभाग की ओर से बरामद की गई 2 करोड़ की शराब के मामले में मौका निरीक्षण किया, आवश्यक जानकारी ली। इस अवसर पर पिंडवाड़ा डीएसपी किशोर सिंह, आबू रोड सदर एसएचओ खेत सिंह, आबू रोड रीको थाना अधिकारी राम सिंह सोड़ा व रोहिड़ा थाना अधिकारी मौजूद थे। एसओजी के डीआईजी अमनदीप सिंह कपूर व सतर्कता शाखा के डीआईजी सत्येंद्र सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ भुजेला के जीएसएस के पीछे पहुंचे, जहां 30 मई को आबकारी विभाग की ओर से बरामद की गई 2 करोड़ की शराब के मामले में मौका निरीक्षण किया, आवश्यक जानकारी ली। इस अवसर पर पिंडवाड़ा डीएसपी किशोर सिंह, आबू रोड सदर एसएचओ खेत सिंह, आबू रोड रीको थाना अधिकारी राम सिंह सोड़ा व रोहिड़ा थाना अधिकारी मौजूद थे। गत 30 मई को आबकारी आयुक्त जोगाराम के निर्देश में शराब तस्करी के खिलाफ भुजेला में 4 लेन पर पावर हाउस के पीछे कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान आबकारी आयुक्त जोगाराम ने उदयपुर जिले के सहायक आबकारी अधिकारी राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की थी, जिसमें अलवर के लक्ष्मणगढ़ के पेट्रोलिंग ऑफिसर नारायण सिंह, जालौर के भीनमाल के पेट्रोलिंग ऑफिसर जगदीश विशोई, बांसवाड़ा के पेट्रोलिंग ऑफिसर नरेंद्र सिंह व अजमेर के पेट्रोलिंग ऑफिसर बैंकत सिंह को शामिल किया गया था। 5 जिलों की संयुक्त टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई थी। विशेष टीम के पेट्रोलिंग ऑफिसर नारायण सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान शराब से भरे 6 मिनी ट्रक व 9 लग्जरी कारों को बरामद किया गया। साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपी मौके से भाग निकलने में सफल हुए थे। 15 वाहनों से हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब के 1,880 कार्टन बरामद किए गए। बरामद की गई शराब का मूल्य करीब 2 करोड़ व वाहनों का मूल्य भी करीब 2 करोड़ रुपए आंका गया था। फिलहाल गिरफ्तार किए आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। आपको बता दें, पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने सिरोही एसपी पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें सिरोही जिले में फल फूल रहे शराब तस्करी के काले कारोबार को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन विधायक गरासिया के इस ट्वीट के बाद भी ना तो सिरोही जिले पुलिस ने कोई एक्शन लिया
और ना ही सिरोही जिले के जिम्मेदार आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई की, लेकिन राजस्थान आबकारी आयुक्त जोगाराम ने इसे गंभीरता से लिया। उसी दिन एक विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे, जिस पर रविवार को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गौरतलब है कि इस मामले में आबू रोड शहर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल देवेंद्र की ओर से भी एसपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए थे। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।